Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। गला मेरा ख़राब है, इस वजह से आवाज़ कुछ मेरी अजीब सी हो रही है, लेकिन मैं हूँ वही जिनके आप व्लॉग्स देखते हैं। ऐसा मत समझिएगा कि आज कोई भाई साहब हैं जो कि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि गला ख़राब होने के बाद आवाज़ कुछ मर्दाना सी हो गई है मेरी। तो देखें अब कब ठीक होती है। हाँ, रिकॉर्डिंग करना ज़रूरी थी। तो यहाँ मैं हूँ किचन में, और आज मुझे किचन करना था अपना ठीक तरह से क्लीन। और यहीं मैं कैबिनेट वगैरह साफ़ कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से सोच रही थी, एक एक दो दो कैबिनेट में करती रहती हूँ, क्योंकि मेरा किचन काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह से, और एक ही दिन में इसको साफ़ करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये तमाम ऊपर के कैबिनेट मैंने साफ़ कर लिए थे। तमाम कैबिनेट मैंने सर्फ़ के पानी से साफ़ किए थे। मैंने एक जगह सर्फ़ का पानी बना लिया था, थोड़ा सा सर्फ़ डाला था बिल्कुल, और एक जगह मतलब सादा पानी ले लिया था। तो मैंने तमाम कैबिनेट को सर्फ़ से साफ़ किया, फिर उसके बाद सादे पानी से उनको अच्छी तरह से साफ़ करके खुश्क किया। और यहाँ आप बर्तन मैं धो रही हूँ। बर्तन तो मेरे कभी भी इतने इकट्ठा नहीं होते, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं हाथों हाथ बर्तन धोती रहती हूँ हर थोड़ी थोड़ी देर में, क्योंकि किचन में किसी न किसी काम से तो आना जाना लगा ही रहता है। तो मैं जब जाती हूँ, अगर कोई भी बर्तन सिंक में होते हैं तो मैं वॉश करके रख देती हूँ। Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be. बर्तन धोने के बाद मैंने तमाम स्लेब साफ किए। उसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी गरम किया था, उसके अंदर थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड डाला था, थोड़ा सा सिरका, और थोड़ा सा मैंने उसमें डिटॉल डाल के उस पानी से तमाम स्लेब को साफ़ किया था। और यहाँ मुझे चूल्हा साफ़ करना था, इस पे मैंने तमाम कचरे को हटाने के बाद, जो कि तीलियाँ वगैरह माचिस की पड़ी होती हैं, उसके बाद मैंने यहाँ पर डिश वॉशिंग लिक्विड डाला है, उसके ऊपर बेकिंग सोडा और ऊपर से सिरका डाल के 10 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था। इस तरह स्टोव बहुत इजीली बहुत अच्छा सा साफ़ हो जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तब तक मैंने सोचा काउंटर साफ़ कर लूँ। शादी से पहले हमारे घर का किचन काफ़ी छोटा था, और अब माशाल्लाह उतना ही बड़ा किचन है। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी दावत हो, तो किचन में ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा काम करे, माशाल्लाह काफ़ी लोग एक वक्त में काम कर सकते हैं। बच्चे मेरे अभी सो रहे थे, और मैं सोच रही थी इनके उठने से पहले पहले ही मैं किचन के सारे काम कर लूँ, क्योंकि बच्चे जब उठेंगे तो फिर नाश्ते वगैरह में भी लगना होगा, तो ये काम पहले हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। किचन का आधा काम तो तकरीबन हो चुका था, और स्टोव भी देखें कितनी अच्छे तरीके से साफ हो गया है, और बहुत ही आराम से। आज रिकॉर्डिंग करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बार बार मैं पानी पी रही हूँ, रुक रही हूँ, और पता नहीं आवाज़ भी कैसी अजीब सी हो रही है। खैर बर्दाश्त कर लीजिएगा, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी मोटी बातें अक्सर होती रहती हैं। और यहाँ मैंने स्टोव साफ़ कर लिया है, और तमाम पीछे की जो ये टाइल्स लगी हैं, स्लैब हैं, इसको भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। जो लिक्विड मैंने बनाया था उसी से मैंने ये तमाम चीज़ें साफ़ की हैं। हाँ, मैं आपको दोबारा बता दूं कि लिक्विड मैंने इस तरह बनाया था कि मैंने थोड़ा सा गर्म पानी लिया था, उसके अंदर मैंने डिश वॉशिंग लिक्विड डाला था, थोड़ा सा डिटॉल डाला था, थोड़ा सा सिरका डाला था, और उसी से मैंने तमाम अपने ये काउंटर, स्लैब और टाइल्स वगैरह सब उसी से मैंने साफ़ किए थे। और अब तमाम चीज़ों को मैं साफ़ करके उनकी जगह पर रख रही थी, और मेरा दिल हो रहा था कि छोटा सा एक ब्रेक लेके अब मैं चाय पीऊँ, चाय के बाद फिर मैं दोबारा अपने कामों में लगूं। लेकिन बाहर से आवाज़ आई, बाहर आया था बंदर वाला। तो ये आप भी देख लें, हमने भी देख लिया। और
उसको लंगड़ा बना दिया। ओ कैसे पे लंगड़ा हो गया। ओ सलमान खान वाले को साइज बना भाई। शीला की जवानी से लेके सलमान खान की एक्सरसाइज तक मंकी ने सब कुछ करके दिखाया। अब्दुल्ला को तो बहुत अच्छा लग रहा था और अब्दुल्ला की वजह से ही रोका भी था कि अब्दुल्ला देख लें। और मुझे भी अपना बचपन याद आया कि जब गली में आते थे मंकी इस तरह आता था तो गली में कितना रश लग जाता था। तमाम बच्चे मतलब घेरा डाल के खड़े हो जाते थे। कोई अपनी तरफ से 10 दे देता था, कोई 20 दे देता था। तो मुझे तो खैर वो पुरानी यादें याद आने लगी, लेकिन अब्दुल्ला ने बहुत इन्जॉय किया। और मैं तो आपको बताना भूल ही गई, हमने अपने घर के कुछ नए रूल्स बनाए हैं। उसमें एक ये भी है कि हम 5 बजे के बाद अपना ये फ्रिज और डिस्पेंसर जो है इसको बंद कर देते हैं रात के 11-12 बजे तक। इस दौरान ना हम माइक्रोवेव चलाते हैं ना कपड़े इस्त्री करते हैं, क्योंकि 5 बजे के बाद फिर यूनिट उन्होंने काफ़ी बढ़ा दिया है, तो इस वजह से कंट्रोल कर रहे हैं। और कंट्रोल करने के बाद हमारा तकरीबन 7 से 8 हज़ार का बिल में फ़र्क भी आया है। तो मैं डेली फिकर से ये याद रखती हूँ कि 5 बजे जो है फ्रिज बंद करना है, क्योंकि हमारे एरिया में लोड शेडिंग नहीं है। पिछले साल तो फिर भी थोड़ी बहुत हुई थी, लेकिन इस साल तो अभी तक बिल्कुल भी लाइट नहीं जा रही। और ये जो आप कूलर देख रहे हैं ये हम सिर्फ पिकनिक वगैरह के लिए निकालते थे, वैसे तो हम इसे पूछते नहीं थे, लेकिन 5 बजे के बाद हम ये बना देते हैं बर्फ़ वर्फ़ डाल के ताकि फ्रिज ना खुले। तो अब तो खैर आदत सी हो गई है। और शुरू में तो मैंने अपने मोबाइल में अलार्म लगा लिया था, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता था कि फ्रिज बंद करना है। तो अब तो मुझे पक्का पक्का याद रहता है, बल्कि मैं बाहर भी जाऊँ तो अपने बेटे को कह के जाती हूँ कि 5 बजे फ्रिज लाजमी बंद कर देना। तो वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि यहाँ लोड शेडिंग नहीं है, वरना अभी कुछ दिन पहले मेरे जो मियाँ हैं उनके कज़न आए थे लांढ़ी से। मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि लाइट का क्या हाल चाल है आपकी तरफ, तो उन्होंने बोला ये पूछो आती कब है, 2.5-2.5 घंटे की लोड शेडिंग है दिन में 3 दफ़ा, और उसके अलावा भी चली जाए तो वो कोई भरोसा नहीं है उसका। इसके अलावा मेरे मियाँ हैं, उनके दोस्त हैं, वो जामा क्लात पर रहते हैं, उनकी तरफ भी यही हाल है लोड शेडिंग का कि 2.5-2.5 घंटे की जाती है, और वो भी बड़े परेशान हैं इस चीज़ से। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी तरफ लोड शेडिंग का कोई इशू नहीं है। तो जब लोड शेडिंग नहीं है तो बिल भी फिर उसी वजह से ज़्यादा आता है, तो उसे कंट्रोल खुद ही करना है, और माशाल्लाह से कंट्रोल किया भी है। तो यहाँ पानी का और बिजली का तो कोई मसला नहीं है। पानी भी हमारे यहाँ माशाल्लाह से मीठा पानी आता है कुछ कुछ दिनों में, और हम लोगों ने तो 2 टैंकर बनवाए हुए हैं, एक छोटा टैंक है और एक बड़ा टैंक है, तो काफ़ी पानी हमारा सेव हो जाता है, तो उसकी वजह से भी हमें परेशानी नहीं होती। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वरना पानी से भी लोग बहुत परेशान हैं, वरना उन्होंने बोरिंग करवाई हुई है, खारा पानी यूज़ कर रहे हैं तो स्किन ख़राब हो रही है, किसी के बाल झड़ रहे हैं। तो परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है कि यहाँ ये इशू नहीं है। हाँ रात को गैस चली जाती है, वो भी तकरीबन 10:30-11 बजे तक, तो उससे पहले मैं अपने तमाम काम कर लेती हूँ। यहाँ ये जो मैं शरबत बना रही हूँ ये मैंने मुहर्रम की 10 तारीख को बनाया था, और मेरे बच्चों को जेली बहुत पसंद है तो मैंने इसमें जेली भी डाली थी, और घर में ही मैंने बांट दिया था, अपने नंद को भेज दिया था, अपने नीचे जेठ के घर भेज दिया था, बराबर वालों के भेज दिया था। और ये वीडियो नेक्स्ट डे की है। नेक्स्ट डे हम लोग डिनर के लिए बाहर आए थे। 4K चौरंगी पे है ये रेस्टोरेंट अलगौसिया या गौसिया के नाम से। तो फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे आए थे खाना खाने के लिए कि देखें यहाँ का खाना कैसा है, क्योंकि बाहर भी इतना ज़्यादा रश और अंदर जब हम लोग आए इनका फैमिली हॉल भी बहुत ज़बरदस्त बना हुआ था। तो यहाँ सब डिसाइड कर रहे थे कि किसने क्या मंगवाना है खाने के लिए। 15-20 मिनट के बाद हम लोगों को समझ में आया कि क्या मंगवाना है, क्योंकि मेरी नंद की फैमिली, मेरी फैमिली, हम सब लोग गए थे तो सब अपनी अपनी मर्ज़ी से कुछ ना कुछ मंगवा रहे थे। तो यहाँ हमने खाने में मंगवाई थी निहारी, ब्रेन मसाला मैंने मंगवाया था, चिकन का कीमा था, मलाई बोटी थी, टिक्का था, सैलेड था, और हमने पुलाव टेस्ट करने के लिए मंगवाया था सिर्फ एक पाव, क्योंकि यहाँ का पुलाव सुना है काफ़ी मशहूर है, और जिंगर अब्दुल्ला के लिए था। रोटियाँ थी, पूरियाँ थी, पूरी पराठा। तो जब खाना आया तो मैंने सबको कह दिया स्टॉप, किसी ने खाने को हाथ नहीं लगाना, पहले मैंने वीडियो बनानी है। मैंने जल्दी जल्दी वीडियो बनाई,
उसके बाद सबने खाना खाया, मुझे ये भी था कि खाना ठंडा ना हो जाए, लेकिन सबको पता है मैं वीडियो बनाती हूँ तो भाई सब इस चीज़ को कोई भी माइंड नहीं करता। खैर फिर हम लोगों ने खाना खाया और इन्जॉय किया खाने को, हर चीज़ बहुत अच्छी बनी हुई थी, लेकिन हमें सिर्फ निहारी पसंद नहीं आई क्योंकि शायद हमने निहारी से ज़्यादा अच्छी जगह की खाई हुई है, ये वजह हो सकती है। इसके अलावा तमाम चीज़ें बहुत अच्छी बनी हुई थी। चावल खाने का दिल नहीं था लेकिन सिर्फ टेस्ट करने के लिए हमने थोड़े से मंगवाए थे, लेकिन वो भी बहुत अच्छे थे। ब्रेड मसाला इतना अच्छा था कि हमने दोबारा ऑर्डर दिया था, जो कि आपने भी देखा ब्रेड मसाला हमने एक और मंगवाया था। और बाद में जब हमने खाना वाना खा लिया तो हम लोग सोच रहे थे, जब बिल आया तो मेरी नंद की बेटी कहने लगी सब गैस करेंगे कितना बिल आया होगा, तो बिल हमारा बना था 4,000 रुपये, जिसपे हम 9 अफराद थे, तो उस हिसाब से हमें ऐसा लग रहा था कि बिल बिल्कुल ठीक था, मतलब इतना ज़्यादा नहीं था जिस हिसाब से होना चाहिए था। क्योंकि यही खाना अगर हम कहीं और से ऑर्डर करते तो तकरीबन 5,000 से ऊपर बिल जाना था, क्योंकि हम अफराद भी ज़्यादा थे। और जब हम बाहर निकले तो मैंने थोड़ी सी वीडियो वहाँ की बनाई, मेरे बेटों को तो बहुत शर्म आती है, वो तो बनाते ही नहीं है, लग तो मुझे भी बहुत अजीब सा रहा था क्योंकि बाहर तख्त पे काफ़ी लोग बैठे हुए थे, तो जितनी वीडियो में जहाँ जहाँ की बना सकी वो मैंने बना ली। बूंदाबांदी हो रही थी, लोग बड़ा इंजॉय कर रहे थे और बाहर खाना पीना चल रहा था, क्योंकि आप देख भी सकते हैं जब हम वहाँ से निकले तो हमारा दिल चाय का हो रहा था, और हमें ये पता था कि घर जाएंगे तो गैस होगी नहीं, तो रास्ते में ही हमने डिसाइड किया कि हम ना बाहर से ही चाय पीते हुए घर जाएंगे। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और हम चाय, हमारे घर के करीब में ही एक पठान का होटल है, वहीं से हम चाय लेते हैं और वहीं की हम चाय पीते हैं। उसके अलावा हमें कहीं की चाय इतनी अच्छी नहीं लगती, मजबूरी में तो पी लेंगे लेकिन जब घर के करीब में हो तो हम यहीं से ही चाय पीते हैं। और ये हमारा मेन गेट है, और यहाँ पे ये जो आप डब्बा देख रहे हैं ये रात को मेरी देवरानी आई थी, करेले बना के लाई थी, लेकिन हम लोग डिनर पे बाहर गए हुए थे और जब हम लोग वापस आए हैं तब भी हमने ये डब्बा नहीं देखा। नेक्स्ट डे तब मैंने उनके मैसेजेस देखे, तब मुझे पता चला कि वो करेले लेके आई थी, उन्होंने काफ़ी दरवाज़ा बजाया, बेल बजाई, फ़ोन करे, लेकिन हम लोग बाहर थे, नेट ऑन नहीं था तो पता नहीं चल सका, लेकिन उन्होंने मुझसे ये कहा कि ख़राब हो गए होंगे, लेकिन मौसम आजकल बहुत अच्छा है, धूप इतनी नहीं निकल रही, अबर अबर सा है, तो इसलिए ये ख़राब नहीं हुए, और जब वो इतने प्यार से लाई थी तो ख़राब कैसे हो सकते हैं। और मुझे उनके हाथ के करेले बहुत पसंद हैं और अक्सर वो मेरे लिए बना के लाती हैं, तो जब वो इतने प्यार से लाएंगी तो कैसे ख़राब हो सकते हैं। और अब यहीं करते हैं वीडियो का एंड, और इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ जल्दी आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और अपनी दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय। Today's gonna be a good day. Wake up.